अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फॉर प्रोग्रामिंग एकेडमी। सो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। जो आज हम पढ़ेंगे वो है यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इन देयर टाइप्स। हम वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में और इनके टाइप्स क्या है। तो इनके चार टाइप्स है। नंबर एक इंट, ये एक कीवर्ड है और इसको हम यूज़ करते हैं इंटीजर्स के लिए। और एक दूसरा है फ्लोट, ये भी कीवर्ड है और इसको हम यूज़ करते हैं डेसिमल पॉइंट, जो भी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट हो तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। और तीसरा हमारे पास है करेक्टर। करेक्टर को हम सिंगल करेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम कोई भी सिंगल करेक्टर प्रिंट करना चाहे तो हम करेक्टर यूज़ करेंगे। और स्ट्रिंग को हम पूरी वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, यानी कोई भी वर्ड हो, जिस तरह नेम हो गया तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह हम डिक्लेयर करेंगे। सो गाइज, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और IO stream and using name space std. So guys, इसको हम main, हमारे पास जो basic हमने program करना था वो हमारे पास हो गए। और हम अभी लिखते हैं कि हम किस तरह अब int को हम मैं a साइन करता हूँ, a इक्वल टू कोई भी वैल्यू 460 एंड फ्लॉट b इक्वल टू, याद रखिएगा इसको सिंगल कॉमा में लिखेंगे। मैं इस तरह ये एक करेक्टर लिख देता हूँ और सेमी कॉलन को नहीं भूलना, मैं भूल गया हूँ तो मैं लगा लेता हूँ। और हमारे पास दूसरा क्या रह गया, करेक्टर CHR, सॉरी ये इसमें हम, ये तो हमारे पास करेक्टर नहीं है तो इसमें हम कोई भी पॉइंट्स वैल्यू ले सकते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे ओके। और स्ट्रिंग में हम यूज़ करने वाले हैं कोई भी नेम, इसको डबल कोट्स में लिखनी है हेलो वर्ल्ड ओके। अब हम इसको सी आउट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सारों को मैं एक ही लाइन में आउट कर सकूँ, आउटपुट हमारे पास इस सारों का आ जाए। तो मैं करता हूँ ए को और फिर स्पेस दूंगा क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें अलग अलग आ जाए, बी ओके सी और इसी तरह डी। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं आउटपुट में। तो सो देखते रहिएगा, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू और ये फ्लोट की, और ये एक हमारे पास सैंपल करेक्टर प्रिंट हो गया और ये हेलो वर्ल्ड एक कंप्लीट एक कह सकते हैं एक वर्ल्ड, जिस तरह मैंने बताया था कि हम इसको कंप्लीट वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो गाइज, इसमें हम मैं बेसिक चीज़ें ये बताने वाला हूँ। ये जो स्लैश टी मैंने यूज़ किया ये यानी कि टैब स्पेस के लिए यूज़ होते हैं। और ये इसमें टर्मिनेटर लगानी ज़रूरी है। अगर मैं लाइन के लिए यूज़ करना चाहूँ तो इसके लिए मैं एंडल भी यूज़ कर सकता हूँ और दूसरे ये स्लैश एन भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्लैश एन भी लिखता हूँ तो अभी मैं रन करके मैं देखता हूँ कि क्या आता है हमारे पास आउटपुट। ये देखिए, दो चीज़ें हमारे पास न्यू लाइन में प्रिंट हो गई और दो चीज़ें हमारे पास फर्स्ट लाइन में। तो सो गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इस पर प्रैक्टिस करते रहेगा और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।